हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा मैं दीपक, और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में, और जानेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कौन कौन से जो डिसिप्लिन में वैकेंसीज को निकाला गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि मैं आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा लाइक यूट्यूब पर जो चैनल है वो है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर के नाम पर। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जॉब्स के साथ साथ, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो, चाहे वो लेक्चरार की हो, चाहे वो पीएचडी पोजीशंस हो या पोस्ट डॉक पोजीशंस हो, चाहे वो आपका जो है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे कि नीट हो या सीएसआईआर या आईसीएमआर या डीबीटी जीआरएफ या गेट, तो इन सब के लिए भी जो मैं कंटेंट को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आप अगर लाइक कोई भी सीएसआई का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो सारा मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको, और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या हम कह सकते हैं पीएचडी की पूरी लाइक के एडमिशन के बारे में, या आप कोई भी लेक्चरर की जॉब की वैकेंसीज के बारे में देखना चाहते हैं, तो वो कंटेंट भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा नोटिफिकेशन आया, ये आया मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भोपाल से। तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फैकल्टी पोजीशंस के लिए यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, और ये जो पोजीशंस है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कौन सी पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप ए लेवल 10, तो आपको पे ग्रेड मिलेगा 70,900 मिलेगा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वही मैंसन कर रखी है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 80, अनरिजर्व में 32, ओबीसी में 22, एससी में 13, एसटी 6, ईडब्ल्यूएस 7, पीडब्ल्यूडी 3। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सारी पोस्ट भी मैंसन कर रखी, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी या डिटेल है डिसिप्लिन का, वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसीज भी मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो ग्रेड 1 की भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका जो है लेवल 12 का पेमेंट दिया जाएगा, और यहाँ पे 1,15,000 जो है वो आपका पेमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर रखी है स्टार्टिंग में। इसके अलावा हम डिटेल में देखेंगे, तो डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पे देखिए तो पूरा वैकेंसीज जो है क्या क्या है, और क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो ये शायद जो है डिपार्टमेंट या सेंटर है जहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए इन पार्टिकुलर चीज़ों में, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि आपका स्पेशलाइजेशन किस पार्टिकुलर डिसिप्लिन में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में अगर देखें, तो अगर आपका जो आपका स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, बायो फिजिक्स, लेजर्स, ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप भी जिस डिसिप्लिन में आपका स्पेशलाइजेशन हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मैंसन कर रखी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो आपका पीएचडी जो है वो कंपलसरी होना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करें, तो आपका पीएचडी मैथमेटिक्स में होना चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एमसीए भी किया है, और आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तब भी आप जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सारे डिसिप्लिन दे रखे हैं, आप जिस भी डिसिप्लिन में आपका एलिजिबिलिटी आपका फिट बैठता हो, आप अपलोड लाइक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो है वो दे रखा है, तो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है अपनी ओन हैंडराइटिंग में, और आपको यहाँ पे जो है आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है आपको इसके अटैच करने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। इससे पहले आप जो है MNIT वेबसाइट की ये वेबसाइट दे रखी है, तो इस पे जाके आप अपना जो एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है वो पहले आप चेक कर लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लाइक आप फिट हैं कि नहीं। अगर आप फिट होते हैं तभी उसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रूल्स एंड ऑर्डर दे रखे जो कि एनेक्जर डिफरेंट नेचर में हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही जो है आप इसके लिए अप्लाई करें।
अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1200 रुपीज़ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे जो है लाइक आपका जो फ़ी है वो नील है। इसके अलावा जो है हम और कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो मैंने आपके ऑलरेडी बता दिया है कितनी वैकेंसी हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपके साथ बता दी है, डिस्कस कर ली है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका रहेगा आपका रिटन टेस्ट या टेक्निकल प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट आपको देना हो सकता है, या आपका टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगा या आपका इंटरव्यू होगा, तो ये सब चीज़ें जो होंगी उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल लाइक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है तो वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, तो ये भी इन्होंने मैंसन कर रखा है। इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं। तो रिजर्वेशन आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनआईटीज के रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी 15 सितंबर 2021 है 5 PM। इसके बाद देखिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी डॉक्यूमेंट, वो आपको सेंड करना है द रजिस्ट्रार मैम एन आई टी भोपाल 46203, और जो लास्ट डेट है 15 सितंबर यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना एनवेलप पे मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप डिपार्टमेंट भी आपको क्लियरली जो है मेंशन करना पड़ेगा अपने लाइक एनवेलप पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताकि आपको जो है आपका कोई भी एनवेलप मतलब कि क्लियरली मेंशन रहेगा, तो आपको वहाँ पे उसी के बेस पे जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है, जो कि आप एम एन एन आई टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन भी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है कि क्या क्या है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट दे रखे हैं कि कहीं की क्या है कि आपका जो सिलेक्शन वो क्रेडिट पॉइंट्स के भी बेस पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट इस वाले पेज को आप अच्छे से पढ़िए कि, और आप जिस भी डिसिप्लिन में जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट पॉइंट भी एक बार देख लीजिए कि ये जो क्रेडिट पॉइंट्स है सब आपको कितना क्रेडिट पॉइंट के क्या क्या अगर आपका एलिजिबिलिटी है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूरा क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़िए, ताकि अगर आप अप्लाई करने से पहले आप ये सब चीज़ें जो है पूरा प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, और आपको अगर कोई भी क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे मे बी इन्होंने जो है एम एन आई टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रखा होगा, तो आप वहाँ से जो है लाइक इसके बारे में अगर आपकी क्वेरी है आपकी, तो आप वो जो है वहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।